हेलो गाइज दोस्तों, ये है बटरफ्लाई का चॉपर। ये 600 ml का है। हमने इसका रिव्यू वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों ये 600 ml और 900 ml के दो तरह के पैक में आता है। दोनों के ही लिंक मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों आज हम आपके सामने करने वाले हैं चॉप प्याज मिर्ची लहसुन और टमाटर को। तो देखिए कितनी आसानी से और कितना फटाफट ये काम करता है और आपको थोड़ा सा आइडिया ही मिल जाएगा कि इसका चॉपिंग कितना बेहतर है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसको ओपन करना है। दोस्तों मैंने इसको एक बार पानी में धो लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अभी हमें यहाँ अपना ब्लेड डालना है और प्याज को डबल डबल या चार पीस में काट के और हमें यहाँ पर डाल देना है। दोस्तों हम सारे प्याज को या जो भी मटेरियल है जिसको भी आपको चॉप करना है आप उसको यहाँ डाल देंगे और हम मिर्ची को भी साथ में ही चॉप करने वाले हैं। तो गाइज हमने चॉप किया हुआ पूरा का पूरा मटेरियल अंदर डाल दिया है। अभी हमें जो लिड है उसको बंद कर देना है इस प्रकार से। और बंद करने के बाद अभी हमें यहाँ से सब कुछ दिखता रहेगा। दोस्तों ट्रांसपेरेंट बाउल होने का यही फायदा है, अंदर आपको सब कुछ दिखेगा कि आपका जो चॉपिंग है कैसा हो रहा है। दोस्तों हमें इसको चॉप करना है। अब देखिए दोस्तों आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इस प्रकार से आप चॉप कर सकते हैं अपने प्याज लहसुन और मिर्ची को। काफी बढ़िया से चॉप हो गया है। बाकी गाइज आप अपनी किचन में किचन के स्लिप पे रख के इस प्रकार से और इस प्रकार के खींच सकते हैं तो उससे काफी बढ़िया से चॉप होगा। दोस्तों देखिए इस प्रकार से ये बढ़िया से चॉप हो गया है। मैं इस ब्लेड को बाहर निकालता हूँ और आपको अभी दिखाता हूँ इसको इकट्ठा करके। नाउ यू कैन सी दोस्तों बहुत ही बढ़िया से चॉप होता है। इस प्रकार से आप अपने हिसाब से आपको कितना बड़ा बड़ा पीस चाहिए कितना छोटा पीस चाहिए उस हिसाब से आप चॉप कर सकते हैं। और ट्रांसपेरेंट बाउल में आपको बाहर से सब कुछ दिखता रहेगा कि मेरा जो लेवल है वो कितना छोटा हो गया और कितना बड़ा है। तो गाइज अभी हम टमाटर चॉप करेंगे। हमने एक टमाटर लिया है, इसको चार पीस में काट लिया है और हमने इन टमाटरों को हमने डाल दिया है। दोस्तों ध्यान रहे जब भी आप कोई भी आइटम इसमें डालेंगे तो ब्लेड पहले से लगा हुआ होना चाहिए, वरना बाद में फिर ब्लेड डालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। अभी हम इसको बंद कर देंगे और सेम हम उसी प्रकार से इसको चॉप करेंगे। दोस्तों पहली बार में थोड़ा टाइट घूमेगा, थोड़ा सा फिर से एडजस्ट करके और खींचेंगे। बस दोस्तों चार बार करने से ही इतना बारीक हो गया है। इस प्रकार से आप चॉप कर सकते हैं। आपको और थोड़ा सा ज्यादा बारीक करना है देन आप कुछ राउंड और मार दीजिए और आपका बढ़िया से ये चॉप हो जाएगा। नाउ यू कैन सी दोस्तों तो इस प्रकार से आप इसमें कोई भी मटेरियल गाजर प्याज टमाटर बीन्स कोई भी आइटम जो आपको चॉप करना है आप इसी प्रकार से फटाफट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी चॉपिंग क्वालिटी? यू कैन सी ये प्याज लहसुन और मिर्ची है इस प्रकार से चॉप हुई है और ये आपका टमाटर। तो दोस्तों अभी भी आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। अब मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।